डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 3 का इंग्लिश मैरी गोल्ड का लेसन 3 यूनिट 3 में हमने पढ़ा अभी तक। पहला लेसन 3 का पहला पार्ट था ए वन लिटिल किटन। इसके अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और लिखेंगे। पहला है रीडिंग इज फन, हाउ मैनी। How many kinds of characters are there in the poem? मतलब कि कविता में कितने प्रकार के जीव हैं? तो इसका हम आंसर लिखेंगे There are 15 types of characters discussed in the poem। मतलब कि कितने प्रकार के जीव हैं? 15 जीवों का वर्णन किया गया है या नाम लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है आर द सील हैप्पी, क्या सील मछलियां खुश थी? तो इसका आंसर होगा नो, सील आर सेड, वह खुश नहीं थी। उसके बाद है लेट्स टॉक, वेयर डू द फिश लिव, मछलियां कहाँ रहती थी? तो इसका हम आंसर लिखेंगे Fish lives in the water। उसी तरह what are the author things found in water? जल में कौन कौन सी और चीजें पाई जाती हैं? तो लिखेंगे इसका आंसर the author things found in water are plants, herbs, pears, shell, etc। इसी तरह तीसरा there are many characters in the poem which owns Have you seen? इस कविता में कई प्रकार के जीवों के नाम, इनमें से तुमने किसे देखा है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे I have seen rat, rat, cat, butter, fish, lizard, elephant, donkey, etc। मतलब इत्यादि। Tell us about when you feel। Tell us about when you feel, बताओ कि तुम इन स्थितियों में कैसा महसूस करते हो? तो लिखेंगे इसका आंसर I feel sad when my mother and teacher thought on me। उसके बाद दूसरा लिखेंगे I feel brave when I am true। उसके बाद तीसरा है I feel, आंसर में ही है happy while helping author। उसके बाद चौथा लिखेंगे I feel nervous When my homework incompleted, nervous कब होते हैं? जब homework पूरा नहीं होता है। इसी तरह let's and share, make face to the show your feeling to your friend। तो अपने दोस्तों के विभिन्न हाव भाव वाले चेहरे बनाओ। तो ये अपने से चित्र बनाना है, इसमें चेहरे जैसे इसने इसमें दिया है sad, इसमें happy, तो happy वाला चेहरा बनाना है, खुश वाला। Look एट द, उसके आगे देखते हैं लेट्स ड्रा, लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो एंड अंडरलाइन देम इन द पोयम देन ट्रैक द लेटर्स। जैसे लिखा है कैट, कैट का पहला लेटर है सी, सी ए टी कैट, ऐसे ही लिखना है। बटरफ्लाई, किटन, रैट, फिश, सीगुल, ईल, बी एलिफेंट, हिल्स, एलेक्जेंडर, गेजर, व्हेल, डंकी। ये होमवर्क में इसका मीनिंग लिख के लाना है आपको। उसके आगे हम देखते हैं क्या है। उसके आगे से अलाउंड एम मतलब हूँ, ही, वह, ऐसे ही आपको लिखना। माई मीन्स मेरा, बेड, कैट, लेट, फैट, इसको भी आप होमवर्क में पूरा मीनिंग लिख के लाएंगे। जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा आपको होमवर्क में। उसके आगे देखेंगे लुक एंड रीड, से दिस वर्ड अलाउड देन मैच देम विथ द पिक्चर्स बाय ड्राइंग लाइंस। इसको क्या करना है, ये सब पिक्चर दिए हुए हैं, इन पिक्चरों को यहाँ लिखे हुए से मिलाना है आपको। पहला है बैग, तो बैग कहाँ पे है? ऐसे
मैंने आपको टीन, टीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऐसे आपको मिलाना है। पेन, पेन मीन्स कलम, टेप, टेप मीन्स नल, बैग, बैग मीन्स बैग, बैग मीन्स थैला, टीन मीन्स टीने का डब्बा, हैंड मीन्स मुर्गी, पेन मीन्स कलम, टेप मीन्स नल, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, एंट मीन्स चींटी, फॉक्स मीन्स लोपड़ी, कैप मीन्स टोपी, कोट मीन्स कोट, सर कोट मीन्स पलंग। तो आप इसको मिलाएंगे, मिला के अपनी लाइनिंग बनाएंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवेन बिलो एवो। तो इसको हम भर दिए हैं, देखिए बी बी ए जी बैग, एच ई एन हैंड, टी ए पी टेप, सी ए पी केप, सी ए टी कैट, ए एन टी एन, पी ई एन पेन, पी ओ एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। ऐसे ही भरेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है लल्लू एंड पिल्लू।